हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस के टॉप थ्री बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं इस फंड हाउस के बारे में आपको बताऊं तो ये फंड हाउस 1993 में शुरू हुआ था और अभी ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा फंड हाउस है। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं, 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट ये फंड हाउस अभी मैनेज कर रहा है। और अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो इसका फंड है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो 27,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट हैंडल कर रहा है। और इस म्यूचुअल फंड के पास अभी 136 स्कीम्स टोटल चल रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि वो कौन से टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फंड जिस पे हम बात करने वाले हैं, जिसने सबसे अच्छी रिटर्न दी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस का, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। ये एक सेक्टोरल फंड है और इसने जो अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3500 करोड़ के आसपास चल रहा है। वहीं इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.01% है। तो दोस्तों ये जो फंड है ये अपना मेजर पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर में यहां पर लगा रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसके एग्जिट लोड पे यहां पर बात करते हैं तो अगर आप 15 दिन के अंदर अपना कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 15 दिन के बाद आप कोई भी पैसा यहां पर निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। वहीं अगर हम मिनिमम एसआईपी की बात करें तो 100 रुपए से आप यहां पर एसआईपी शुरू करा सकते हैं और अगर आपको लमसम इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 5,000 रुपए से यहां पर शुरुआत करनी होगी। अब दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन यहां पर देखते हैं तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 55% पैसा लगाया हुआ है, वहीं मिड कैप में 23% और स्मॉल कैप में 17%। तो दोस्तों ये जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं उनकी मार्केट कैप वाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसी भी टाइप की कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है, ये जो फंड है, ये मेजर अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में यहां पर लगा रहा है। वहीं अगर हम इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था ये मेजर अपना पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही लगा रहा है 76% के आसपास। उसके अलावा सर्विस सेक्टर में भी 14% पैसा इसने लगाया हुआ है, वहीं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेक्टर्स में इसने थोड़ा बहुत पैसा यहां पर लगाया हुआ है। और अगर दोस्तों हम टॉप 10 कंपनीज इसकी देखते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा इसने इंफोसिस में लगाया हुआ है 24% के आसपास। उसके अलावा एचसीएल, टेक टेक महिंद्रा, टीसीएस, परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनीज यहां पर आपको दिख रही है। उसके अलावा दोस्तों अभी इसने रिसेंटली आईआरसीटीसी को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, वहीं निट टेक्नोलॉजी, विप्रो, माइंडट्री ऐसी कंपनीज यहां पर दिख रही है। तो दोस्तों ये जो फंड है ये काफी अच्छे तरीके से अपनी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है। टाइम टू टाइम ये मार्केट सिचुएशन के हिसाब से कंपनीज को ऐड और डिलीट कर रहा है। अब रिसेंटली अगर हम एक साल में बात करते हैं तो इसने एचसीएल, टेक्नोलॉजी, आईआरसीटीसी जैसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। वहीं शुरुआत में ये जो इंफोसिस है इसमें मेजर पैसा लगाता था 30-40% के आसपास, लेकिन मार्केट सिचुएशन को देखते हुए जब बाकी टेक्नोलॉजी कंपनीज भी बहुत अच्छा करने लगी तो इसने धीरे धीरे अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें काफी अच्छा चेंजेस कर लिए। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे यहां पर बात करते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपए से यहां पर शुरुआत की होती तो एक साल में वो 10,000 रुपए आपके 20,000 रुपीज के आसपास हो गए और 2 साल में 24,000, वहीं 3 सालों में 25,000 के आसपास और 5 ईयर्स में आपका वो पैसा 36,000 के आसपास हो गया है। वहीं दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही यहां पर 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो 10,000 रुपए आपके 76,000 के आसपास हो गए हैं। तो दोस्तों काफी अच्छी रिटर्न इस फंड ने आपको बनाकर दी है। अगर आप देखेंगे 600% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको सिंस इंसेप्शन जनरेट किया है। और ये जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें भी सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड अभी चल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो वेरी हाई रिस्क होना चाहिए। ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट होता है फंड, लेकिन ये फंड विद इन कैटेगरी बहुत अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे रहा है। अब दोस्तों दूसरा फंड जो यहां पर आ जाता है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। ये एक स्मॉल कैप फंड है और इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रही है वो 2600 करोड़ के आसपास चल रहा है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.68% यहां पर है। अब दोस्तों अगर हम इसमें बात करते हैं तो अगर आपको इसमें पैसा लगाना है तो मिनिमम आपको 100 रुपए से यहां पर एसआईपी शुरू करवा सकते हैं और अगर आपको लमसम पैसा लगाना है तो आपको कम से कम 5,000 रुपीज यहां पर लगाने होंगे। और दोस्तों अगर आप अपना लगाया हुआ पैसा एक साल के
अंदर निकाल लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहां पर देना होगा। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन यहां पर देखते हैं तो सिंस ये एक स्मॉल कैप फंड है तो यहां पर ये लार्ज कैप कंपनीज में कोई पैसा नहीं लगा रहा है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 24% के आसपास लगा रहा है और स्मॉल कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा 71% पैसा ये फंड लगा रहा है। और दोस्तों अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन यहां पर देखते हैं तो सर्विस, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर और केमिकल यहां पर सेक्टर्स इसके पास दिख रहे हैं और सभी सेक्टर्स में इसका जो एलोकेशन है वो 17-15-12% यहां पर हमें दिख रहा है। तो दोस्तों एक स्मॉल कैप फंड की यही एक एडवांटेज होती है कि आपको कोई एक सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं दिखता क्योंकि बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं एक फंड मैनेजर के पास अलग अलग सेक्टर में कंपनीज चूज करने का। तो यहां पर हमें वही चीज दिख रही है कि इसका कोई एक सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है और स्मॉल कैप फंड को यह चीज करनी पड़ती है ताकि वो अपना रिस्क जो है वो मैनेज यहां पर कर सके। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी कंपनीज में टॉप 10 बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा महिंद्रा लाइफ स्पेस में लगाया हुआ है 4% के आसपास, उसके अलावा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, आइनॉक्स लेजर, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जैसी कंपनीज आपको यहां पर दिख रही हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा एलोकेशन यहां पर नहीं है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी के फंड को यहां पर करना पड़ता है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज थोड़ा हाई रिस्क वाली कंपनीज होती हैं। तो यहां पर अगर हम किसी एक या दो कंपनीज में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है स्मॉल कैप फंड्स का। तो यहां पर इसकी जो एलोकेशन है काफी स्प्रेड आउट है, मैक्सिमम जो इसने एलोकेशन किया हुआ है वो 4% किया हुआ है किसी एक भी कंपनी में। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे यहां पर बात करते हैं तो यहां पर अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते तो 5 सालों में वो 10,000 रुपए इसने आपके 23,000 के आसपास बना दिए हैं। वहीं अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 41,000 के आसपास बना दिए हैं। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में ये फंड अगर हम विद इन आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड बात करते हैं तो काफी अच्छी रिटर्न दे रहा है, लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी में ये फंड अभी काफी पीछे है रिटर्न देने के मामले में। स्मॉल कैप कैटेगरीज में और भी काफी फंड्स हैं जो काफी अच्छा अभी परफॉर्म कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम तीसरे फंड की बात करते हैं तो तीसरा फंड जो इसका सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो दोस्तों ये एक इंटरनेशनल फंड है और ये फंड जो है वो अपना मेजर पैसा यूएस की इक्विटी में यहां पर लगा रहा है और अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 1600 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है। और दोस्तों यहां पर एक्सपेंस रेशियो अगर हम इसकी देखते हैं तो 1.28% की एक्सपेंस रेशियो यहां पर हमसे चार्ज की जा रही है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसमें मिनिमम एसआईपी पे तो आप 100 रुपए से यहां पर एसआईपी शुरू करा सकते हैं और अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 5,000 रुपीज से शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपना डाला हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकाल लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड इस फंड में देना होगा। 1 महीने के बाद आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड यहां पर नहीं देना होगा। अब दोस्तों अगर हम इसकी भी मार्केट कैप एलोकेशन देखते हैं तो ये अपना जो सारा पैसा है ये लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहे हैं, 98% जो इसकी एलोकेशन है ये सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही है लेकिन यूएस कंपनीज है ये सारी। अब दोस्तों अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 26%, हेल्थ केयर सेक्टर में 18%, वहीं एफएमसीजी, सर्विस और फाइनेंशियल सेक्टर में भी इसने पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये हमने काफी बार डिस्कस किया है, काफी बार देखा है जो मोस्टली इंटरनेशनल फंड्स होते हैं उनकी जो सबसे ज्यादा एलोकेशन होती है वो हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी दिखती है और यहां पर इस फंड में भी हमें यही दिख रहा है कि जो इसकी मेजर एलोकेशन है ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही ये कर रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और दोस्तों अगर हम यहां पर अब टॉप 10 कंपनीज इस फंड में देखते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा अपना सर्विस नाउ में लगाया हुआ है 3% के आसपास, उसके अलावा जिलेट साइंसेज में भी इसने 3% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा दोस्तों ये सारी कंपनीज अगर आप देखेंगे ये सारी मेजरली यूएस की ही कंपनीज है, उसमें आपको बड़े बड़े नाम Amazon, Facebook, Salesforce, Microsoft, Kellogg जैसे यहां पर बड़ी कंपनीज आपको दिख रही होंगी। और दोस्तों यहां पर टॉप 10 कंपनीज को देखकर हमें समझ आ रहा है कि ये सारी जो कंपनीज है ये यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज है, मेजरली यहां पर आपको टेक्नोलॉजी कंपनीज दिख जाएंगी, सर्विस नाउ, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज। तो दोस्तों अच्छी एलोकेशन है यहां पर यूएस इक्विटी में, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफी अच्छी एलोकेशन हमें यहां पर दिख रही है। और पॉजिटिव बात मुझे यहां पर भी यही लगती है कि ये
जो एलोकेशन है ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा यहां पर नहीं किया हुआ है, काफी डिस्ट्रीब्यूटेड एलोकेशन है। जो मैक्सिमम एलोकेशन है वो 3% का है। यहां पर किसी भी फंड का जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है अगर वो किसी एक या दो कंपनीज में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं करता है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की रिटर्न पे यहां पर बात करते हैं, तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते वन टाइम, तो 5 सालों में वो पैसा आपका 24,000 के आसपास हो गया है। वहीं अगर आपने इसकी इंसेप्शन में ही पैसे लगा दिए होते 10,000 रुपए, तो वो पैसे आपके 45,000 रुपीज हो गए हैं। तो दोस्तों इस फंड ने भी अपनी कैटेगरी में अच्छी रिटर्न्स दिए हैं, यहां पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप फॉरेन इक्विटी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपका रिस्क प्रोफाइल है वो वेरी हाई रिस्क होना जरूरी है। तो दोस्तों ये जो 3 फंड हमने यहां पर डिस्कस किए हैं, तीनों ही फंड उस कैटेगरी के फंड है कि अगर आप वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोचें। अब दोस्तों इन तीनों में से एक फंड है जो सबसे अच्छा अपनी कैटेगरी में कर रहा है, वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड में ये सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड चल रहा है। अब दोस्तों हर म्यूचुअल फंड हाउस के कुछ फीचर्स होते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को यहां पर डिफाइन करते हैं। तो अगर हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस के कुछ फीचर्स को यहां पर समझते हैं, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है रिटर्न्स की वो इतनी ज्यादा अभी हमें देखने को मिल नहीं रही है, लेकिन जो इसके फंड मैनेजर हैं वो काफी कंसिस्टेंट है। ये एक अच्छी बात है इसके इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन दोस्तों सिंस ये एक पुराना म्यूचुअल फंड हाउस है, तो इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी हायर साइड पे रहती है, तो ये एक दिक्कत वाली बात होती है। इसलिए भी एक रीजन है कि जो इसके फंड्स हैं वो इतना अच्छा अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है इसके म्यूचुअल फंड्स में अभी, और इसकी जो टर्नओवर रेशियो ये काफी कम रहती है। ये एक अच्छी बात है इसके इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं दोस्तों जो इसके मोस्ट फंड्स हैं वो अभी बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ओवरऑल यहां पर इसके जो फंड्स हैं ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी जो इनकंसिस्टेंसी है वो काफी ज्यादा हमें यहां पर देखने को मिल रही है। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको आईसीआईसी प्रूडेंशियल के बारे में कुछ नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।